YouTube चैनल आई एम सुमन सहानी एंड आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की ज्योग्राफी का चैप्टर 2 द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ. ओके, तो ये जो आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी बुक है उसका सेकेंड चैप्टर है एंड इस चैप्टर में हम वर्ल्ड की पॉपुलेशन के फीचर्स के बारे में मेनली डिस्कस करेंगे कि ये जो हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, आजकल हम सुनते हैं, हमें पता चल रहा है कि जो हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है. बट इस चैप्टर में हमें पता चलेगा कि अर्लियर जो है पुराने ज़माने से में बहुत पहले अगर आप जाओ तो तब पॉपुलेशन बढ़ने की स्पीड बहुत तेज़ नहीं थी, बट अब जो पॉपुलेशन बढ़ने की स्पीड है वो बहुत तेज हो गई है. तो हम उसके रीज़न जानेंगे कि क्यों आज के समय पे ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है. उसका छोटा सा रीज़न क्या है कि हमारी जो सोसाइटी है वो एडवांस हो गई है. पहले डेथ रेट ज़्यादा था, यानी कि पहले मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी, इस वजह से लोग मर जाते थे. बट अब हमारे पास बहुत ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ है, उसकी वजह से जो डेथ रेट्स है उन पर भी कंट्रोल हो गया. ओके, तो पॉपुलेशन होना अच्छी बात भी है एंड एक तरीके से एक ये हमारा नेगेटिव फैक्टर भी होता है. वो सब कुछ हम पॉपुलेशन के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करेंगे. जैसे हमने क्लास 7-8 में पढ़ा था पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, बर्थ रेट क्या होता है, डेथ रेट क्या होता है. बट इन दिस चैप्टर वी विल नो दैट किस तरीके से उनको कैलकुलेट भी करा जाता है. ओके, तो आई होप तुम्हें ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगेगा. इट इज़ वेरी इजी चैप्टर एंड वेरी स्कोरिंग चैप्टर. तो ये जो चैप्टर्स है आपके ज्योग्राफी के, जो ह्यूमन ज्योग्राफी की जो फर्स्ट यूनिट है, इट इज़ वेरी स्कोरिंग एंड इसमें से बहुत ज़्यादा वन मार्कर्स भी आते हैं. तो आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट दैट इनको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और लैंग्वेज इनकी ईजी है तो यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी ईजिली. ओके, सो ऑल दोज हु डोंट नो मी, आई एम सिमरन सहानी एंड मैं अपने YouTube चैनल पे क्लास 11th और 12th की ह्यूमैनिटीज के सब सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ. तो इफ़ यू वांट टू स्टडी हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करो. मैंने उसमें डिस्क्रिप्शन दे रखा है, प्लेलिस्ट का लिंक दिए हुए हैं. ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इको, पॉलिटिकल, सब कुछ मैं पढ़ाती हूँ अपने चैनल पे. 2020 के सिलेबस के हिसाब से हिस्ट्री, पॉलिटिकल सब कुछ है. सो यू कैन स्टडी ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ ह्यूमैनिटीज फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल. सेकेंडली, ऑफ द नोट्स आपको स्क्रीन पे भी दिख गया होगा. तो नोट्स जो होते हैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इको, ह्यूमैनिटीज़ के हर सब्जेक्ट के तुम्हें मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मिलेंगे एंड इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. इस चैप्टर के नोट्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है एंड अगर तुम कमेंट सेक्शन देखोगे तो उसमें मैंने पिन करा है कमेंट जिसमें मैंने ज्योग्राफी के 1-2 लेके सारे के सारे चैप्टर्स का लिंक दे रखा है. उस लिंक को टच करोगे, इंस्टाग्राम आईडी पे मेरी पहुंचोगे और आपको चैप्टर मिल जाएगा फॉर योर फॉर मेकिंग ईजी फॉर यू. इसलिए मैंने लिंक्स प्रोवाइड करी क्योंकि कई बार बच्चों को ढूंढने में प्रॉब्लम होती है. तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल सबके लिंक्स गिवन है मेरे YouTube के कम्युनिटी टैब पे, यू कैन गेट फ्रॉम देयर. सो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं चैप्टर. ओके, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. तो जैसे ही आप अपनी बुक खोलोगे तो आपकी बुक में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको शुरू होते ये दिया है दैट 21st सेंचुरी की बिगनिंग से ही जो हमारी वर्ल्ड पॉपुलेशन थी इट्स रीच्ड ओवर 6 बिलियन, यानी कि 6 बिलियन के भी ऊपर पहुंच गई थी हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन. और जो हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन होती है ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है. अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कि ऐसा नहीं है कि जो पूरा वर्ल्ड है, आप समझ लो हर एक कॉन्टिनेंट के अंदर सेम नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट होंगे. जैसे कि एशिया में भी, मैं एक सब हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल दे दूं, एशिया में भी 2 मिलियन लोग है, अमेरिका में भी 2 मिलियन लोग है, ऑस्ट्रेलिया में भी 2 मिलियन लोग है, हर एक कॉन्टिनेंट के अंदर सेम इवन नंबर के लोग है, 2 मिलियन, जस्ट अ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, ठीक है. या फिर अगर आप ले लो कि आपकी पूरे की पूरी सिटी के अंदर, आपकी सिटी हो गई और जैसे आप कोई भी सिटी ले लो, दिल्ली, लखनऊ, हर एक सिटी के अंदर सेम नंबर ऑफ पीपल होंगे, एक भी ज्यादा नहीं होगा. क्या ऐसा होता है? नहीं. वी ऑल नो दैट कोई कंट्री है जिसमें बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, कोई कंट्री है जिसमें बहुत कम लोग रहते हैं, और कोई कंट्री है जो बिल्कुल एम्बैंडेंड है और कोई ऐसी है जो ओवर पॉपुलेटेड है. तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन. कोई जगह ऐसी है ज़्यादा भरी हुई है, कोई है जो बिल्कुल खाली है. ये क्या है? अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, की जो हमारी पॉपुलेशन है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हैगी, ठीक है. तो जॉर्ज बी क्रीसी ने कहा था, एक कोटेशन दी थी उन्होंने, एशिया हैज़ मेनी प्लेसेज वेयर पीपल आर फ्यू एंड फ्यू प्लेसेज वेयर पीपल आर मेनी. यानी कि एशिया के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे कम लोग हैं, यानी कि एशिया के अंदर बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी जगहें हैं जहाँ पे बहुत कम लोग हैं, और एशिया के अंदर बहुत कम ऐसी जगहें हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं. दैट मीन्स हमारे जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही अटपटा सा आएगा. कई जो बड़ी बड़ी जगहें हैं उन पे तो सिर्फ फ्यू लोग रहते हैं, और कुछ ऐसी जगहें जो जिनका फ्यू प्लेसेस ऐसी हैं जहाँ बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं. और ऐसे ही हमारे पूरे वर्ल्ड का डिस्ट्रीब्यूशन भी है. जैसे कि आप मान लो द पॉपुलेशन गैप बिटवीन
हमारा आप इंडिया का पॉपुलेशन गैप मान लो बाकी कंट्रीज के साथ में, हमारी कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। तो दिस इज़ द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आवर पॉपुलेशन। अब पढ़ते हैं हम पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड। अब ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड जो मैं बार बार बोल रही हूँ, इसका मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब है इसका, इंग्लिश टू हिंदी करते हैं, इट रेफर्स टू अ वे इन विच पीपल आर स्पेयर्ड ऑन अर्थ। एक वो तरीका जिससे हमें पता लगता है किस तरीके से जो लोग हैं वो अर्थ पे स्पेयर, स्पेयर मतलब फैले हुए हैं, किस तरीके से जो लोग हैं वो हमारी अर्थ में फैले हुए हैं, ठीक है। तो इन्होंने हमें बता रखा है कैसे फैले हुए हैं। तो 90% ऑफ द पॉपुलेशन जो है हमारे वर्ल्ड की 90% जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 10% ऑफ लैंड एरिया में ही हैगी। यानी कि आप इमेजिन करो ये जो डिफरेंस है कि 10% लैंड के अंदर 90% पॉपुलेशन है, तो बाकी के 9% लैंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ 10% पॉपुलेशन। ओके, तो जो ग्रीसी ने हमें कोटेशन दी थी वो प्रूव हो रही है दैट बहुत कम ऐसी जगहें हैं जहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं और बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ कम लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम में हमें एग्ज़ाम में ज़रूर लिखने को आएगा कि वो कंट्रीज़ बताओ, 10 कंट्रीज़ जहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन सिचुएटेड है। तो बुक में आपके ग्राफ में मेंशन है बट मैंने यहाँ डायरेक्ट आपको लिख दिया है, दैट आर चाइना, इंडिया, USA, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रशिया, मेक्सिको, ठीक है। तो इन सबको तो मैं ऐसे ही लर्न करना है, दे आर सीरियल वाइज कि किसमें कितनी है, नंबर वाइज हैगा। एंड तुम्हें ये याद रखना है इसमें से कि ये जो 10 कंट्रीज़ है इनमें से 6 कंट्रीज़ एशिया के अंदर है, तो दैट मीन्स एशिया जो कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट वाइज अगर देखें तो एशिया इज़ अ मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट। तो ये 6 कौन से हैं एशिया के कंट्रीज़, दैट यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो हमने पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया कि किस तरीके से इन 10 कंट्रीज़ के अंदर हमारी 90% पॉपुलेशन सिचुएटेड है। तो दैट मीन्स हमारा जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, जिस तरीके से लोग हमारे अर्थ पे फैले हुए हैं, वो बिल्कुल अनइवन है, उबड़ खाबड़ है, कहीं ज़्यादा तो कहीं कम, ठीक है। अब पढ़ते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। नाउ व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मतलब ये होता है कि 1 किलोमीटर के अंदर कितने लोग रह रहे हैं। तुम अपने घर से 1 किलोमीटर तक का रास्ता ना आप लो, देख लेना कितने लोग रह रहे हैं। किसी और सिटी का अपने घर से उसके 1 किलोमीटर तक का रास्ता नापोगे तब पता चलेगा कि एक जगह पे कितने लोग रह रहे हैं। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी होती है उतनी ही ज़्यादा हमारी टोटल पॉपुलेशन होती है, ठीक है। तो लेट्स स्टडी द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल एंड द साइज ऑफ द लैंड। रेशियो मतलब क्या होता है? रेशियो मतलब होता है जब हम अपॉन करते हैं किसी चीज़ को, दैट इज रेशियो। रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल एंड द एरिया ऑफ द लैंड, यानी कि तुम कितने एरिया में रहते हो, तुम्हारा 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर हमारे कितने लोग रहते हैं, ये हम जानते हैं थ्रू द पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल एंड द साइज ऑफ लैंड। और जो इसका आंसर निकल के आता है वो पर स्क्वायर किलोमीटर में निकल के आता है। जब हम किसी भी एरिया की का पॉपुलेशन और उसका जो लैंड का साइज है उसको एक दूसरे से डिवाइड करते हैं तो हमारा पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं ये निकल के आ जाता है। अब ऐसे ही अगर हमने 5 डिफरेंट प्लेसेस ले ली और उनका पर स्क्वायर किलोमीटर में निकाल दिए कितने लोग रहते हैं, तो ऑब्वियस है किसी का ज़्यादा आएगा, किसी का कम आएगा। इस तरीके से हम अपना चार्ट बना सकते हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी के थ्रू हम निकालते हैं कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन अपॉन एरिया। टोटल पॉपुलेशन तुम्हें गिवन होगी, जैसे कि एक एग्जांपल आपकी बुक में दे रखा है दैट टोटल पॉपुलेशन इज 150,000 एंड एरिया गिवन है तुम्हें 100 स्क्वायर किलोमीटर। तो पूछ रहे हैं कि इसकी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन निकालो, तो सिंपल तुम्हें इसका फॉर्मूला लगाना है, पॉपुलेशन अपॉन एरिया, एंड वो हो जाएगा आपका 150,000 अपॉन 100 और आंसर क्या आ जाएगा आपका 1500 पर स्क्वायर किलोमीटर। यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितनी फैमिलीज है, कितने लोग रह रहे हैं, 1500 लोग रह रहे हैं। 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, 1500 लोग रह रहे हैं, एंड दैट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी। तो ये छोटे से न्यूमेरिकल के फॉर्म में आपके एग्जाम में आ सकता है, सो यू शुड नो द फॉर्मूला, बहुत बेसिक है, हमने 7th-8th में भी ये पढ़ा था। एंड ये आपको बता रखा है कि मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट कौन सा है मेरा, जैसे मैंने तुम्हें अभी ऊपर बताया एशिया, एशिया की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अब भैया
क्यों है ऐसा? मैंने तुम्हें बता दिया कहीं अनइवन है पॉपुलेशन, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, बट व्हाई इज़ दिस? ऐसा क्यों है कि कहीं पे पॉपुलेशन कम है ज़्यादा है? तो इट इज़ बिकॉज ऑफ 3 factors, दैट आर ज्योग्राफिक फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर एंड सोशो कल्चर फैक्टर. तो सबसे पहले हमें पढ़ने हैं ज्योग्राफिक फैक्टर. ज्योग्राफिक फैक्टर्स मतलब ये है कि देखो, जहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ होंगी ऑब्वियस है लोग वहीं रहेंगे. अब तुम अपने पास में ही देखो, तुम ऐसे ही घर में रहना पसंद करोगे जहाँ पानी नहीं होगा, जहाँ तुम्हें गर्मी लगती होगी, तुम्हारे पास एसी नहीं होगा, जहाँ का क्लाइमेट बहुत बेकार होगा, तुम्हारे पास अच्छा नीचे फ्लोरिंग नहीं होगी, अच्छी उबड़ खाबड़ सी ज़मीन होगी, या फिर तुम्हें अच्छा खाना नहीं मिलता होगा, तो क्या तुम ऐसी जगह पर रहना पसंद करोगे? नहीं, ऐसे घर में रहना तुम पसंद नहीं करोगे. सेम इज़ विद आर टेरेन ऑल्सो, यानी कि ज्योग्राफिकल फीचर्स में भी हम यही सब बातों को कंसिडर करते हैं अपना एरिया चूज करने के लिए. यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. मेनली पुराने ज़माने से ही हमने ये नोटिस करा, जैसे हरप्पन सिविलाइजेशन में हमने पढ़ा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास में सिविलाइजेशन क्यों बसी थी, क्योंकि वहाँ से सिंधु नदी बहती थी. तो नदी के पास में हमेशा ज़्यादा सिविलाइजेशन होती है. क्यों? क्योंकि वाटर जो है वो बहुत हमारी यूज हो जाता है, कुकिंग बाथिंग हर एक काम में हमारा वाटर यूज में आता है, तो वाटर के बिना हम नहीं रह सकते. तो पहला फैक्टर क्या है आपका? अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. बस आपको फैक्टर का नेम लिखना है अंदर का, तो तुम खुद भी बना के लिख सकते हो. तो ये एग्जाम में क्वेश्चन तुम्हारे जरूर आएगा एंड यू हैव टू लर्न इट. तो क्या है, लर्न क्या करना है, मैं बता रही हूँ, एज इट इज लिख देना. नेक्स्ट फीचर क्या है आपका? लैंड फॉर्म, दैट किस तरीके के लैंड पे घर रहेगा, जैसे कि कोई माउंटेन रीजन होता है, कोई फ्लैट होता है, ठीक है. तो कौन से रीजन्स पे मेनली पॉपुलेशन होती है? यू ऑल नो दैट जो प्लेन्स है एंड जो हमारे जेंटल स्लोप्स है. जेंटल स्लोप्स मतलब हल्का सा जो स्लोप होता है ना, वो कई शहरों में, जैसे दिल्ली में भी छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, हल्का हल्का स्लोप कहीं जगहों पे होता है, तो वहाँ लोग रह लेते हैं आराम से. बट जो ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैं, जैसे मसूरी हो गया, नैनीताल हो गया, वहाँ पे पॉपुलेशन कम होती है. क्यों? बिकॉज पहाड़ी इलाका होता है वो, वहाँ पे सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है. और वहाँ पे क्रॉपिंग नहीं हो सकती है, वहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश नहीं हो सकती है, इसलिए वहाँ की पॉपुलेशन कम होती है. अब जो फ्लैट मानो आप, फ्लैट जैसे गंगा प्लेन के आसपास की जगह, ये पंजाब हमारे यूपी के जितने भी शहर है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि फ्लैट एरिया है, वाटर एबिलिटी है, क्रॉपिंग बहुत ज़्यादा होती है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता है, इंडस्ट्रीज लगती है, लोग आते हैं और काम करते हैं. तो लैंड फॉर्म इज़ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर. थर्ड फीचर क्या है? क्लाइमेट. क्लाइमेट की एक्सट्रीम कंडीशंस हमारी बुक में बता रखी है कि हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट में कोई नहीं रह सकता. तो ऐसे एरिया में कोई नहीं रहना चाहता, या फिर कोई ऐसा एरिया जहाँ बिल्कुल ही रेनफॉल नहीं होती या जहाँ बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, वहाँ भी कोई नहीं रहना चाहता. हर कोई एक प्लीजेंट से क्लाइमेट के अंदर रहना पसंद करता है. दैट इज़ द थर्ड फीचर, क्लाइमेट. एंड इसमें आपको एग्जाम्पल दे रखा है ऑफ द एरिया नियर द मेडिटेरेनियन सी. तो मेडिटेरेनियन सी के पास में बहुत ज़्यादा सेटलमेंट्स होनी स्टार्ट हो गई थी हमारी आफ्टर सम ईयर्स, जैसे जब सिविलाइजेशन एस्टैब्लिश हुई, तो कुछ समय बाद मेडिटेरेनियन सी के पास काफ़ी लोग रहने लग गए. ओके, लास्ट फीचर है आपका ज्योग्राफिकल फैक्टर में सॉइल. सॉइल को क्यों देखा जाता है? अब देखो, तुम जहाँ रह रहे हो कुछ खाओगे तो सही ना, तो जो डेजर्ट एरियाज होते हैं जहाँ पे खेती नहीं हो सकती है, तो वहाँ पे पॉपुलेशन कम होती है. हमेशा पॉपुलेशन वहाँ ज़्यादा होती है जहाँ बढ़िया सी खेती हो सके. ओके, तो दीज वर द फोर ज्योग्राफिकल फैक्टर्स. नाउ लेट्स स्टडी द इकोनॉमिक फैक्टर्स, ठीक है. इकोनॉमिक फैक्टर्स में ये है कि मेनली यार देखो, तुम ये कहीं रहना है तो तुम्हें पैसे भी तो चाहिए, जेब में कैश भी तो होना चाहिए. तो उसके लिए और क्या, तुम्हारे पास जॉब होनी चाहिए. अब ने देखा है तुम सब अभी कॉलेज के लिए कहीं ना कहीं पढ़ने जाओगे, क्यों जाओगे? क्योंकि तुम्हें आगे जॉब चाहिए, तो तुम भी अपना शहर छोड़ के जाओगे. तो इसी तरीके से लोग माइग्रेट करते हैं फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज, फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्रीज. तो उन्हीं एग्जांपल्स के बारे में इसमें हम डिस्कस करेंगे. तो पहला क्या है आपका? मिनरल्स. जहां पे मिनरल्स होते हैं वहां पे इंडस्ट्री आती है और वहां पे माइनिंग होती है. जब माइनिंग होती है, इंडस्ट्रीज आती है, तो स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर जो होते हैं वहां जाते हैं. स्किल्ड लेबर्स कैसे हो गए? बहुत इंटेलिजेंट इंजीनियर टाइप. सेमी स्किल्ड मतलब जो हाथ का काम करते हैं अपना, ठीक है, वो जाते हैं. फिर वो जाएंगे तो उनके लिए स्कूल बनेगा, उनके लिए ऑफिस बनेगा, उनके लिए हॉस्पिटल बनेंगे. तो इस तरीके से उन एरियाज में ज़्यादा डेवलपमेंट आता है, ज़्यादा लोग पॉपुलेशन वहाँ होती है जहाँ पे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं. सेकेंड पर आ जाओ अब आप, अर्बनाइजेशन. तो इकोनॉमिक फैक्टर पहला क्या है? मिनरल डिपॉजिट. सेकेंड क्या है आपका? अर्बनाइजेशन. नाउ व्हाट इज अर्बनाइजेशन? वी ऑल नो दैट जब अर्बन सेंटर यानी जब सिटीज डेवलप होने लगती है उसको हम कहते हैं अर्बनाइजेशन. धीरे धीरे जैसे सिटीज डेवलप होने लगती हैं तो रूरल से अर्बन माइग्रेशन होता है, रूरल अर्बन माइग्रेशन होता है. यानी कि जो लोग गांव वाले होते हैं वो गांव को छोड़कर शहर जाने लगते हैं. क्यों जाते हैं? फॉर द जॉब अपॉर्चुनिटीज. गांव में वो कोई 10 रुपये भी नहीं कमा पाते, शहर में जाके वो कोई भी छोटा मोटा काम करके काफ़ी पैसे कमा सकते हैं, ठीक है. तो बेटर लाइफ अपॉर्चुनिटीज के लिए अर्बनाइजेशन इज अ फैक्टर, जिसकी वजह से
पॉपुलेशन अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था ये इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब हमारा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू हुआ अभी आगे आप पढ़ोगे, तो उसके बाद जो पॉपुलेशन की स्पीड थी वो हाई हो गई और पॉपुलेशन जो चेंजेस थे वो भी हाई हो गए। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या हुआ, जॉब्स क्रिएट हुई, जॉब क्रिएट हुई तो लोगों ने एक शहर से दूसरे शहर में मूव करना शुरू कर दिया, फैक्ट्रीज लगी, फैक्ट्री वर्कर्स को काम मिला, ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लोगों को काम मिला, बैंक्स बने और फिर हॉस्पिटल्स बने, तो ये सब कुछ डेवलप होने लगा और लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लगे एंड जो इंडस्ट्रियलाइज एरिया होता है उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। अब आप इमेजिन करो किसी डेजर्ट एरिया की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, इंडस्ट्रियलाइज ऑब्वियस है जहाँ पर इंडस्ट्री लगी है वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया आपको कोबे ओसाका रीजन ऑफ जापान, जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, दिस यू हैव टू रिमेंबर। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट फैक्टर जिसकी वजह से हमारा जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन होता है, जो इन्फ्लुएंस करता है पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को, दैट इज रिलीजियस कल्चरल सिग्निफिकेंस। व्हाट इज रिलीजियस कल्चरल सिग्निफिकेंस? यानी कि जो लोग होते हैं ना वो हमेशा एक रिलीजियस प्लेस के पास में है, जैसे अयोध्या हो गया, वाराणसी हो गया, हरिद्वार है, दीज ऑल दीज प्लेसेस जो पवित्र होती हैं, दीज आर डेंसली पॉपुलेटेड होती हैं। ये देख पिलग्रिमेज सेंटर इज डिफरेंट, जैसे केदारनाथ बद्रीनाथ अगर आप ले लो, जो पिलग्रिमेज सेंटर है वो एक डिफरेंट चीज़ है, बट हमेशा जो एक आप कह रहे हो रिलीजियसली जो माने हुए शहर हैं, आपने देखा होगा कि जो उनकी पॉपुलेशन होती है वो ऑब्वियस है वो ज़्यादा होती है। सेकेंड क्या हो गया, सोशल एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट, कोई भी इंसान उस जगह में रहना पसंद नहीं करता जहाँ पे सोशल एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट हो, यानी कि जहाँ की पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट है वो बेकार हो, कभी गवर्नमेंट गिर रही है, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही है कि सब कुछ चेंज कर रही है, प्राइजेस हाई है, कभी सरकार गिन रही है बन रही है, सोसाइटी के अंदर इनडिफरेंस है, यानी कि लोगों के साथ इक्वल बिहेवियर नहीं हो रहा है, तो क्या आप उस जगह में रहना पसंद करोगे? नहीं, तुम कहोगे ये शहर छोड़ो हम तो दूसरे शहर जा रहे हैं। तो हमेशा लोग उस जगह में रहना पसंद करते हैं जहाँ पे सोशल एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट नहीं होता है, जहाँ पे सब कुछ इक्वालिटी के थ्रू होता है। नेक्स्ट क्या है कि कई बार हमारे बुक में बता रखे गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है, इंसेंटिव मतलब गवर्नमेंट कुछ अपनी तरफ से देती है बोनस अवार्ड टाइप का, उन लोगों को कहती है कि उन एरियाज में जाके रहो जहाँ पे पॉपुलेशन कम है, जैसे कि जब कभी टीचिंग्स की जॉब लगती है मिलिट्री में आर्मी ऑफिसर्स को भेजा जाता है, अगर किसी को रिमोट एरियाज में भेजा जाता है या ऐसी जगहों पे भेजा जाता है जहाँ पे पॉपुलेशन कम हो तो उनको थोड़े ज़्यादा पैसे मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उस एरिया में डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ पॉपुलेशन नहीं है, वहाँ रहना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए गवर्नमेंट अपनी तरफ से इंसेंटिव लेती है कि जाओ आप वहाँ पे जाके रहो। और वो ऐसा क्यों करते हैं कि जो पॉपुलेशन है डेंसिटी है उसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि जब भी पॉपुलेशन अनइवन होती है तो उससे काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम भी होती है। तो यहाँ हमने तीनों फैक्टर्स पढ़ लिए, ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स, इनके बस तुम्हें वर्ड ले याद करना है जो मैंने यहाँ ब्लू से डार्क में लिखा है, अंदर का तो ऑब्वियसली तुम अपने आप बना के लिख सकते हो। तो ये भी कंप्लीट हो गया हमारा, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भी हो गया है। नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट, दिस स्मॉल ग्राफ जो आपकी बुक में बता रखा है दैट आई विल एक्सप्लेन टू यू। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आर पॉपुलेशन। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, नेचुरल ग्रोथ, इंड्यूस्ड ग्रोथ, एक्चुअल ग्रोथ, पॉजिटिव ग्रोथ, नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। बहुत सिंपल सा है ये, मैंने तभी छोटा सा टेबल बनाया है, क्यों? क्योंकि बुक में काफ़ी डिटेल करके दे रखा है, बट इट इज़ वेरी सिंपल। तो व्हाट इज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन? देखो, ग्रोथ कभी भी हम किसी चीज़ की जब ले रहे हैं वी विल टेक द टू टाइम पीरियड्स। देखो, जब मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम्हारी मार्क्स की ग्रोथ कितनी हुई है, तो यू विल से दैट मेरी 11th में इतनी परसेंटेज आई थी और 12th में मेरी परसेंटेज इतनी आ गई। तो हाइपोथेटिकली आप देखो तो तुमने दो टाइम पीरियड को कंसिडर करा, 11th से 12th, 11th में मेरी परसेंटेज 80 थी, अब 12th में मेरी 97 आ गई है, इस तरीके से आपने मुझे बता दिया। तो उसी जगह से जब हम ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की बात करते हैं तो हम दो टाइम पीरियड को ज़रूर कंसिडर करते हैं, जैसे कि हमने ले लिया 2001 टू 2015, 2012 टू 2010, यानी कि बीच में दो टाइम पीरियड्स होने चाहिए इतने समय से इतने समय तक, तभी हम किसी चीज़ की ग्रोथ जो है उसका पता लगा सकते हैं। तो व्हाट इज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन? चेंज इन द पॉपुलेशन ऑफ एरिया बिटवीन द टू पीरियड्स ऑफ टाइम। जब पॉपुलेशन का चेंज हम कंसिडर करते हैं बिटवीन टू पीरियड्स ऑफ टाइम, इट इज़ नोन एज द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। जैसे कि अभी आप
कोई भी मान सकते हो, वो हम जो ये चेंज है हम अभी कब प्रेजेंटली कभी ले सकते हैं कि अभी जनवरी से लेके जो मार्च है कुछ हम निकालें अगर अभी की पॉपुलेशन ग्रोथ, तो दैट इज़ ऑल्सो द चेंज। अगर तुम निकालना चाहो तो तुम मंथ वाइज भी निकाल सकते हो कि जनवरी से लेके मार्च तक में पॉपुलेशन चेंज कितना हुआ या पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी हुई। तो फॉर दैट जो बेसिक चीज़ है हमारे को टू टाइम पीरियड होने चाहिए, चेंज इन द पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया बिटवीन टू पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल आपके बुक में देखा है 2001 से 2011 में पॉपुलेशन चेंज कितनी हुई, यानी कि पॉपुलेशन की ग्रोथ कितनी थी, कितनी बड़ी या कितनी कम हुई। अब ग्रोथ में ग्रोथ कैसी भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है ग्रोथ हमेशा बढ़ेगी ही, ग्रोथ कम भी हो सकती है, पॉपुलेशन कम भी हो सकती है एंड पॉपुलेशन ज़्यादा भी हो सकती है। ओके, और जब हम इस ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन की बात करते हैं तो सिंपली क्या होता है, जो हमारी ग्रोथ निकल के आती है जब हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 100 से, उसको परसेंटेज में निकाल देते हैं, तो वो उसकी ग्रोथ रेट पड़ जाती है। यानी कि जो हमारा ग्रोथ आई थी, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, अगर हम उसको परसेंटेज में निकाल देंगे, परसेंटेज में निकालने का फॉर्मूला आप सबको आता है, तो जब हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में निकाल देंगे तो वो क्या बन जाती है, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। जैसे हम कह रहे हैं इंडिया की पॉपुलेशन 1.4% से बढ़ रही है, हाइपोथेटिकल बता रही हूँ, तो वो क्या है, हमारी ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन हमने निकाली है। पहले उसके लिए हमने ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन निकाली होगी, फिर हमने उसको परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगा के ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन निकाल ली। नाउ कम टू द नेचुरल ग्रोथ। जो नेचुरल ग्रोथ होती है वो नेचुरल फिनोमिना के थ्रू होती है। वो ग्रोथ एक, जैसे आप अपनी सिटी ले लो, अपनी सिटी की अगर तुम्हें नेचुरल ग्रोथ देखनी है तो तुम नेचुरल फिनोमिना को देखो। अब पॉपुलेशन कौन से नेचुरल फिनोमिना से कम बर्थ हुई होती है, अगर बर्थ होंगे तो या फिर डेथ होगी, तो दीज आर नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल ग्रोथ होती है पॉपुलेशन इंक्रीज बाय द डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड द डेथ इन अ रीजन बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ टाइम। जब हम दो पॉइंट्स ऑफ टाइम के अंदर देखते हैं कि हमारा बर्थ रेट एंड डेथ रेट में कितना डिफरेंस है, तो हमें पता चल जाती है हमारी नेचुरल ग्रोथ। तो नेचुरल ग्रोथ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बर्थ माइनस डेथ रेट कर देते हैं, बर्थ माइनस डेथ नंबर ऑफ बर्थ माइनस नंबर ऑफ डेथ। नो सेकेंड इज इंड्यूस्ड ग्रोथ। इंड्यूस्ड मतलब क्या होता है, जो हम खुद करते हैं, दैट इज डन बिकॉज ऑफ द ह्यूमन इंटरवेंशन। ह्यूमंस ने कुछ करा है तभी इंड्यूस्ड, हमने खुद करा है उसको, नेचुरली नहीं हो रहे है वो। तो इंड्यूस्ड ग्रोथ कब होती है पॉपुलेशन की, किसकी वजह से होती है, दो फैक्टर्स होते हैं, इन माइग्रेशन एंड आउट माइग्रेशन। इन माइग्रेशन मतलब कि हम आपकी कंट्री के अंदर कोई रहने आ गया, आपके शहर के अंदर कोई रहने आ गया, आपकी स्टेट के अंदर कोई रहने गया। व्हाट इज आउट माइग्रेशन, कि आप अपनी कंट्री से बाहर चले गए, आपकी कंट्री से कोई बाहर गया है, कोई आपके शहर से बाहर गया है या फिर आपके कोई स्टेट से बाहर गया है। तो इन माइग्रेशन, अगर तो एक तो हमारी कंट्री के अंदर रहने आ गया तो भी पॉपुलेशन पे इफेक्ट करेगा, और अगर कोई कंट्री से बाहर चला गया तो भी पॉपुलेशन पे इफेक्ट पड़ेगा। नाउ दिस इफेक्ट इज नॉट नेचुरल, इट इज इंड्यूस्ड, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड ग्रोथ कहते हैं इसको। ओके, अब एक है हमारी, हमने क्या क्या पढ़ लिया, नेचुरल ग्रोथ रेट भी पढ़ लिया और इंड्यूस ग्रोथ रेट भी ले लिया। नाउ वी कम टू द एक्चुअल ग्रोथ रेट। अब एक्चुअली में ग्रोथ रेट कैसे निकालेंगे, हमने नेचुरल फिनोमिना से ग्रोथ होने की भी बात पढ़ ली और इंड्यूस फिनोमिना से भी ग्रोथ होने की बात पढ़ ली। तो जब हम एक्चुअल ग्रोथ को कंसिडर करते हैं तो हम दोनों को ही लेते हैं, बर्थ और डेथ रेट को भी लेते हैं और इन माइग्रेंट्स एंड आउट माइग्रेंट्स को भी लेते हैं। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्चुअल ग्रोथ रेट, बर्थ माइनस डेथ प्लस इन माइग्रेशन प्लस माइनस आउट माइग्रेशन। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम अपने शहर का पूरा एक्चुअल ग्रोथ बताओ, तो तुम क्या करोगे, नंबर ऑफ बर्थ्स प्लस नंबर ऑफ डेथ माइनस सॉरी प्लस इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन। गलत बोल दिया था, एक बार फिर रिपीट करते हैं, बर्थ माइनस डेथ प्लस इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन, इससे निकल के आ जाती है हमारी एक्चुअल ग्रोथ। नाउ नेक्स्ट टू पढ़ते हैं हम अपने, फर्स्ट क्या है आपका, पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, सेकंड क्या है, नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अब पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन तब होती है जब पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, और नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ तब होती है जब पॉपुलेशन डिक्रीज होती है। अब इस पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि अच्छा है या बुरा है, कई बार आपको पता है अगर पॉपुलेशन कम हो रही है वो अच्छा भी होता है, दैट मीन इट इज़ पॉजिटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा है या बुरा है, पॉजिटिव का मतलब है इंक्रीज होना, नेगेटिव का मतलब है डिक्रीज होना। यहां पर तो पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन मतलब क्या है कि कब होगी पॉपुलेशन इंक्रीज, ऑब्वियसली हमें पता है जब बर्थ रेट्स ज्यादा होंगे डेथ रेट कम होंगे तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, या फिर जब परमानेंट माइग्रेशन हमारी कंट्री के अंदर बढ़ने लगेगी, यानी कि बाहर के देश से ज्यादा लोग हमारी कंट्री के अंदर रहने आने लगेंगे, तो ऑब्वियसली हमारी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। नाउ कम टू द नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कब होगी, जब बर्थ रेट्स कम होंगे डेथ रेट ज्यादा होंगे, लोग ज्यादा मर रहे हैं
और पैदा कम हो रहे हैं, तो ऑब्वियस है नेगेटिव पॉपुलेशन हो जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी, कम लोग जो हमारी पॉपुलेशन है वो डिक्रीज होती रहेगी। या फिर दूसरा रीज़न क्या होगा, व्हेन पीपल माइग्रेट टू अदर रीजन, जब हमारी कंट्री छोड़कर लोग दूसरे रीजन्स में जाने लगेंगे, हमारा शहर छोड़कर लोग दूसरे शहरों में माइग्रेट होने लगेंगे, अगर आप शहर का अगर पॉपुलेशन निकाल रहे होगे तो इस तरीके से जब लोग बाहर माइग्रेट होने लगते हैं, आउट माइग्रेशन होता है या फिर डेथ रेट ज़्यादा होती है, तो दैट इज़ नेगेटिव ग्रोथ रेट, और जब इन माइग्रेशन ज़्यादा होता है, बर्थ रेट ज़्यादा होता है, तो दैट इज़ पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ओके, तो विद दिस आपका ये जो टेबल था स्मॉल सा, ये कंप्लीट हो गया इन अ वेरी इजी वे। नाउ वी विल स्टडी आवर कंपोनेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन चेंज, क्या वो रीजंस है जिनकी वजह से जो हमारी पॉपुलेशन है वो चेंज होती रहती है। तो तीन रीजंस होते हैं हमारे, बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। ओके, लेट्स स्टडी द फर्स्ट कंपोनेंट, दैट इज बर्थ। अब बर्थ की वजह से पॉपुलेशन जो है हमारी वो चेंज होती है, तो वी हैव टू कैलकुलेट जब कितने बर्थ्स हो रहे हैं हमारे एरिया के अंदर, ठीक है। तो वो कैसे निकालते हैं हम, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसको बोला जाता है क्रूड बर्थ रेट। क्रूड बर्थ रेट अगर आपने निकाल लिया तो यू विल गेट टू नो नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन अ ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि पर 1000 पॉपुलेशन जो है उसमें एक साल में कितनी बर्थ हुई, यानी कि कितने लाइव बच्चे पैदा हुए हैं पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन इन अ ईयर। ये पूरी लाइन आपको याद रखनी है, क्या नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन अ ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन, एक साल में 1000 पॉपुलेशन में कितने बर्थ हुए हैंगे। तो इसका हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, दैट इज यू हैव टू लर्न इन इंस्टाग्राम नोट में, तुम्हें सब मिल जाएगा। क्रूड बर्थ रेट इज इक्वल्स टू बी आई अपॉन पी इंटू 1000। नाउ यू माइट बी थिंकिंग दैट ये बी आई क्या है, ये क्या है बर्थ, बी आई होता है हमारा लाइफ बर्थ पर ईयर, क्या होता है ये हमारा लाइफ बर्थ पर ईयर। अब ये जो पी है, व्हाट इज पी, पी इज ये जो ये नीचे पी करा है हमने, ये पर ईयर में जो ये हमने पी करा, इट इज मिड ऑफ द ईयर। अब हमने, मैंने आपको बोला कि हम देखेंगे कि एक साल के अंदर 1000 ऑफ पॉपुलेशन में कितने बच्चे हुए हैं, कितने बर्थ्स हुए हैं, तो वो कौन सा एक साल लेंगे हम, स्टार्टिंग से लेके एंड तक का एक साल लेंगे ये, तो कौन सा लेंगे, तो इसमें हम मिड ऑफ द ईयर लेते हैं। कोई भी जो ईयर लेना होता है उसके मिड से शुरू करके, जैसे कि आप ले लो 2019 का सितंबर से लेके 2020 तक के सितंबर का आप कैलकुलेट करोगे, तो हमेशा जो हमारा क्रूड बर्थ रेट कैलकुलेट होता है वो मिड ऑफ द ईयर से कैलकुलेट होता है, दैट यू हैव टू रिमेंबर। क्या है इसका फॉर्मूला, CBR is equal to BI upon P into 1000. ओके, तो इस तरीके से हम अपने बर्थ रेट निकाल सकते हैं, एंड इट इज द फैक्टर बिकॉज ऑफ विच जो हमारी पॉपुलेशन है वो चेंज होती है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट फैक्टर, दैट इज डेथ। अब डेथ के लिए भी हमारे पास एक ऐसा ही फॉर्मूला होता है, क्रूड डेथ रेट। अब इसको निकालने के लिए हम इसे क्यों निकालते हैं, निकालते हैं टू मेजर अ मोर्टैलिटी ऑफ एन एरिया। मोर्टैलिटी मतलब है ये देखने के लिए निकालते हैं कि एक एरिया के अंदर मोर्टैलिटी रेट कितना है, यानी कि लोग कितने समय तक जिंदा रह रहे हैं वो निकालते हैं हम, कितने लोग जिंदा है ये निकालने के लिए हम डेथ रेट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज क्रूड डेथ रेट, डेथ इन अ ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन। ऑब्वियस है जब बर्थ रेट क्या था, क्रूड बर्थ रेट क्या था, बर्थ इन ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन, तो क्रूड डेथ रेट क्या होगा, डेथ इन अ ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन, एक साल में कितनी डेथ हो रही है इन अ पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। अब इसमें भी जो हम ईयर लेते हैं, कंसिडर करते हैं, वो मिड ऑफ द ईयर कंसिडर करते हैं, ऐसा नहीं है कि जो स्टार्टिंग का ईयर है, स्टार्टिंग 2019 की पूरी जनवरी से दिसंबर तक आप कैलकुलेट, ऐसा नहीं, मिड ऑफ द ईयर से इसमें हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डी यानी डेथ अपॉन पी यानी कि मिड ऑफ द ईयर इंटू 1000। तो CDR क्रूड डेथ रेट इज इक्वल्स टू क्या है, डेथ अपॉन पी इंटू 1000, एंड हमारा CBR का फॉर्मूला क्या था, बर्थ अपॉन पी इंटू 1000। तो विद दिस आपका दो बिल्कुल इंपॉर्टेंट वाले पॉपुलेशन चेंज के कंपोनेंट्स कंप्लीट हो गए हैं, बर्थ एंड डेथ। अब लास्ट पे आ जाते हैं हम, जो है हमारा माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होती है, देखो माइग्रेशन तब होती है जब कोई जॉब के लिए इधर से उधर जाता है, या फिर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो उसे एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना पड़ता है। जब किसी को अपना शहर, अपनी घर,
अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं और जाना पड़ता है, तो उसको क्या कहते हैं, माइग्रेशन। कभी कभी माइग्रेशन आउट ऑफ द कंट्री होता है, यानी कि तुम अपनी कंट्री ही छोड़ के जा रहे हो, कभी कभी स्टेट में माइग्रेशन होता है, तुम अपनी स्टेट छोड़ के यूपी से पंजाब जा रहे हो, कभी कभी शहरों का भी माइग्रेशन होता है, जैसे कि तुम अपने शहर छोड़ के दूसरे शहर रहने जा रहे हो, ठीक है। तो माइग्रेशन टेम्परेरी भी होता है, परमानेंट भी होता है, सीजनल भी होता है। टेम्परेरी माइग्रेशन जैसे कि तुम्हारे पापा की जॉब लगी, ट्रांसफर हो, टेम्परेरी तुम्हें जाना पड़े, वापस अपने होम टाउन आ जाओगे। परमानेंट माइग्रेशन मतलब पक्के के लिए तुम वहाँ चले गए हो। एंड सीजनल माइग्रेशन करते हैं जैसे कि लेबरर्स हो गए, वो सीजन पे, जैसे हमने देखा ना अभी जब लॉकडाउन हुआ तो सारे के सारे मुंबई से किस तरीके से जो हमारे लेबरर्स थे उन्हें अपने घर वापस जाना पड़ा, वो सीजनल माइग्रेट करके आते हैं। वो जब काम मिलता है उन्हें तब वो इधर से उधर दूसरी स्टेट्स में चल जाते हैं, जब काम नहीं मिलता तो उन्हें वापस जाना पड़ता है। तो दीज आर सीजनल माइग्रेंट्स, ठीक है। अब माइग्रेशन जब भी हम कंसिडर करते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या हो गई, जो तुम्हारा होम टाउन है, यानी कि जहाँ पर तुम रह रहे हो अभी, दैट इज द प्लेस ऑफ ओरिजिन। नाउ व्हाट इज द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, वेरी सिंपल इंग्लिश, जहाँ पे तुम्हें पहुँचना है। जैसे कि मैं इंडिया को छोड़ के दुबई जा रही हूँ, दैट मीन्स मेरी प्लेस ऑफ ओरिजिन इंडिया है एंड मेरी प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन क्या है, दुबई है। तो दिस इज प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ द माइग्रेशन। अब जो माइग्रेशन है इट इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, इमिग्रेंट्स एंड एमिग्रेंट्स, जिसमें लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड होते हैं। क्या होते हैं, कन्फ्यूज्ड होते हैं। देखो मैं भी हो जाती थी काफ़ी समय तक, बट इसका मैंने एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला निकाल लिया, आई विल टेल यू। ये जो इन है ना, इसका मतलब तुम निकाल लो, इन इन मतलब क्या होता है, अंदर आना, यानी तुम्हारे यहाँ कोई आ रहा है। इन मतलब क्या होता है, अंदर आना, यानी तुम्हारे यहाँ कोई आ रहा है। और ये ई मतलब क्या है, एग्जिट। ई मतलब क्या है, एग्जिट। जब कोई बाहर जाएगा तो उसको एमिग्रेंट कहते हैं, और जब कोई अंदर आएगा, जब तुम्हें तुम्हारे घर आ रहे हैं, तुम्हारे शहर आ रहे हैं, तुम्हारे कंट्री में आ रहे हैं, तो डैट इज इन इमिग्रेंट्स, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ, या इन का आई इमिग्रेंट और ई का एग्जिट एमिग्रेंट। लेट्स स्टडी। इमिग्रेंट्स कौन होते हैं, माइग्रेंट्स हु मूव टू अ न्यू प्लेस आर नोन एज इमिग्रेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, मैं हूँ, मी, ठीक है। मैंने क्या करा, मेरी प्लेस ऑफ ओरिजिन कौन सी है, इंडिया, मैंने तुम्हें बता दिया था, और मेरी प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन कौन सी है, दुबई, ठीक है। मैं इंडिया छोड़ के दुबई में चली गई, तो उस समय पे सबसे पहली चीज़ क्या होगी, अब मैं चली गई, मेरी फैमिली भी चली गई, मेरे घर में 10 लोग हैं वो भी चले गए, तो इंडिया की पॉपुलेशन थोड़ी कम होगी, थोड़ा सा तो फर्क आएगा ही, पॉपुलेशन कम होगी, ऐसी बहुत सारे लोग जाएंगे तो प्लेस ऑफ ओरिजिन की पॉपुलेशन कम होगी। उसी तरीके से अब मैं दुबई शिफ्ट करूँगी, तो जो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन है उसकी पॉपुलेशन पहले बढ़ जाएगी, ठीक है। अब मैं जब अपने परिवार को लेकर दुबई चली गई हूँ, तो दुबई वालों के लिए मैं कौन होंगी, इमिग्रेंट। वो मुझे क्या कहेंगे कि बाहर से इमिग्रेंट आए हैं। इमिग्रेंट क्यों कहेंगे, बिकॉज आई हैव गॉन टू देयर कंट्री, यानी कि आई हैव मूव टू अ न्यू प्लेस, मैं उनकी जगह पर शिफ्ट हो गई हूँ। जब भी कोई दूसरी कंट्री में जाएगा, मैं जा रही हूँ यूएसए सेटल होने, मैं जा रही हूँ दुबई सेटल होने, मैं अपना स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में जा रही हूँ, तो उन दूसरे स्टेट वालों के, उन दूसरे देश वालों के लिए मैं कौन हूँ, इमिग्रेंट। क्यों, क्योंकि उनकी कंट्री में कोई आया है, ठीक है। और इंडिया वालों के लिए मैं क्या होंगी, एमिग्रेंट। क्यों, क्योंकि मैंने अपना देश छोड़ दिया, मैंने एग्जिट कर दिया। ई क्या है, एमिग्रेंट क्या है, एग्जिट। आई हैव लेफ्ट माई कंट्री एंड आई हैव माइग्रेटेड टू अ न्यू प्लेस। तो माइग्रेट हु मूव आउट ऑफ अ प्लेस, मैंने इंडिया से मूव आउट कर लिया, तो दैट मीन्स आई एम अ एमिग्रेंट। आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। एमिग्रेंट कौन होते हैं, जो अपनी प्लेस ऑफ ओरिजिन को छोड़ देते हैं, दे मूव आउट ऑफ अ प्लेस, आउट हो रहे हैं, एग्जिट हो रहे हैं, एमिग्रेंट है। एंड इमिग्रेंट कौन है, जो एक न्यू कंट्री में एंटर कर रहे हैं, इन कर रहे हैं, दोज आर इमिग्रेंट्स। ऐसे ही अगर आपको एक एग्जाम्पल दूँ, तो एक इंसान आयरलैंड से यूएसए चला गया, आयरलैंड से यूएसए चला गया, तो वो यूएसए वालों के लिए कौन होगा, इमिग्रेंट होगा। एंड वो आयरलैंड वालों के लिए कौन होगा, इमिग्रेंट होगा। क्यों, क्योंकि उसने आयरलैंड को छोड़ दिया है। तो दिस इज अ सिंपल सा एग्जाम्पल, ये आपको एग्जाम में किसी भी तरीके से घुमा फिरा के कंफ्यूज करने के लिए आ जाएगा। तो तुम्हें याद रखना है, ई एग्जिट इमिग्रेंट, आई इन इमिग्रेंट, ओके। तो आई होप तुम्हें अच्छे समझ में आ गया होगा। इफ देयर आर एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड विद दिस हमारा हाफ ऑफ द चैप्टर कंप्लीट हो गया है, बाकी का जो चैप्टर है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी, पार्ट टू वीडियो में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में नोट्स पिन हो रखे हैं, एंड ज्योग्राफी के बाकी के जितने भी चैप्टर्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 12th ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट गिवन है, वहाँ से आप पढ़ चुके हो। ह्यूमन ज्योग्राफी जो चैप्टर है मैंने दो वीडियोज में पढ़ाया है, एंड दैट चैप्टर आई हैव एक्सप्लेन्ड इन अ वेरी इजी मैनर, बहुत बच्चों को उससे बहुत अच्छा लगा है। दैट इज वाई ऑल द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड मी कि मैं सेकेंड चैप्टर जल्दी से बनाऊँ, ओके। सो मैंने
मैंने आपका जी सेकेंड चैप्टर भी एक्सप्लेन कर दिया, जल्दी से आप अपना ज्योग्राफी का सिलेबस कंप्लीट करो। नोट्स मैंने बहुत सारे चैप्टर्स के ज्योग्राफी के अपने इंस्टाग्राम आईडी पे डाल दिए, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, टेक स्क्रीन शॉट्स, डू एनी थिंग यू वॉन्ट, आप नोट डाउन भी कर सकते हो अपनी कॉपी के अंदर, आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। कोई बच्चा अगर मुझे कहता है स्ट्रेन होती है थोड़ी सी आई नोट डाउन करने में, तो गाइस जितना पबजी खेलने में तुम्हारी आगे स्ट्रेन होती है उससे बहुत कम टाइम लगेगा तुम्हें मेरे ज्योग्राफी के नोट्स उतारने में। बहुत प्रिसाइज लैंग्वेज में मैंने दिए हैंगे, आई स्ट्रेन नहीं होंगी, थोड़ा सा तो एफर्ट तुम्हें करने पड़ेंगे। मैंने वन मार्कर्स भी डाल दिए हैं ज्योग्राफी के जो इंपॉर्टेंट हैंगे, मैप क्वेश्चन भी आई विल अपलोड ऑन इंस्टाग्राम, सो गो एंड चेक आउट ऑल द नोट्स इफ यू वॉन्ट। ओके, तो बाकी के सारे चैप्टर की वीडियोज आपको ज्योग्राफी क्लास 12 की प्लेलिस्ट बाय सिमन सहानी चेक करते रहना मिलती रहेंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हिस्ट्री पॉलिटिकल इको की प्लेलिस्ट है वो भी आप देख सकते हो, अगर आपको इको हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल पढ़नी है तो। ओके, सो आई विल मीट यू नेक्स्ट पार्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड बेस्ट।